ओम शांति। आज है दीपावली का त्योहार और दीपावली का त्योहार माना ज्योति का त्योहार, बुझे हुए दीपकों को जगाने का त्योहार और उन जगे हुए दीपकों के अंदर उत्साह, उमंग और मनुष्य जीवन के लिए शुभ कामनाएं और मंगल कामनाएं करने का त्योहार। तो आप सभी के प्रति हम सभी की बहुत बहुत शिव बाबा और प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की याद में, जिन्होंने हमारी ज्योत जगाई है और वह ज्योत हमारी अमर रहेगी और हम अनेकों की ज्योति जगाएं और सभी को हम उस जगती हुई ज्योति की दुनिया में ले चलें, ऐसी हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना और मंगल कामना। जीवन उत्साह उमंग से सदा बना रहे, खुशियों की फुहारें आपके ऊपर पड़ती रहें और आप सदा खुश रहो और सभी को खुशियां लुटाते रहो। तो दिवाली सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 13/11/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है स्वयं परम पिता परमात्मा। देखो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को क्या कहते हैं, तो सुनिए ज्ञान शीर्षक के द्वारा। तो मीठे मीठे परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे मददगार बन। किसके मददगार बनकर? तो स्वयं भगवान, सौभाग्य तो देखो हमारे स्वयं भगवान ऑफर कर रहे हैं कि हम उनके मददगार बने। तो बाप के मददगार बनकर सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। हमको किसने नॉलेजफुल बनाया? बाप ने। तो बाप कहते हैं अब तुम क्या करो, तुम औरों को नॉलेजफुल बनाओ। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को अभी किस सिमरती में रहना है और फिर सिमरती की कमाल क्या है? एक तो कौन सी सिमरती और फिर उस सिमरती की कमाल क्या है? जवाब है, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की नॉलेज मिली है। कौन सा बीज और झाड़? दुनिया में तो अनेकानेक बीज हैं, अनेकानेक प्रकार के झाड़ हैं, लेकिन ये उस वंडरफुल बीज और वंडरफुल झाड़ की बात हो रही है जो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है, उसकी बात हो रही है। तुम्हें अभी बीज और झाड़ की नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की सिमरती में रहना है। इस सिमरती से तुम क्या बन जाओगे? हाँ, वंडरफुल बात बाबा बता रहे हैं, चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। और यही है सिमरती की कमाल। अभी हम कंगाल हैं, बिल्कुल बेघर हैं, और बाबा हमें क्या बना देते? चक्रवर्ती राजा। तो बाप बच्चों को सिमरती दिलाते हैं कि बच्चे सिमरती आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है। बाबा कहते सिमरती आई तुमको बाप के द्वारा, अब मैं तुम्हें क्या करने आया हूं? वही जो तुम्हारी आधा कल्प की भक्ति है ना, उसका मैं फल देने आया हूं। अब फल लेने की तैयारी करनी है। तुम फिर से वैकुंठ के मालिक बनते हो। अब बाबा कहते फल खाओ, तुम फिर से अभी क्या बन जाओगे? वैकुंठ के मालिक। जैसे बाप मीठा है, ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। फल मीठा होगा तो क्या होगा? आत्मा को अंदर संतुष्टता होती है। तो बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाना है। गीत भी बड़ा प्यारा बजा है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। धारणा के लिए मुख्य दो बातें, बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है। बाबा कैसे मीठे संबंध से देखते हैं? तो हमें अपने लौकिक संबंध से नहीं, लेकिन ईश्वरीय संबंध से देखेंगे तो हमारी दृष्टि मीठी हो जाएगी। तो सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है।
दूसरी बात है गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है. साधारण स्टूडेंट नहीं, कोई स्कूल कॉलेज के, साधारण डिग्री प्राप्त करने वाले भी नहीं, लेकिन स्वयं परम पिता जो परम शिक्षक के रूप में हमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हमें उस स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है. और फिर हमारी पढ़ाई जब तक जीना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है. वरदान है नॉलेज की शक्ति के द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल राज्य अधिकारी भव. रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मेंद्रियों की और कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं. इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी. ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं और वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं. स्लोगन है हर समय कौन याद रहे. निमित्त भाव कैसे आता है जी? अब बाबा भी कहते वही बात कि हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते. ओम शांति, ओम शांति.